उत्तर। पहला क्वेश्चन है आपका, शिवलिंग खरीदने के लिए नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? अब इसका उत्तर लिखेंगे हम। शिवलिंग खरीदने के बाद एक चवन्नी मची थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? अब हम इसका उत्तर देखेंगे कि नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई का है। नरेंद्र ने बालक की जान इसलिए बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह है उसका प्रथम कर्तव्य था। नरेंद्र ने बालक की जान क्योंकि उसकी दृष्टि में स्वयं शेख आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वयं सेवक आगे चलकर किस नाम से
प्रसिद्ध हुआ। तो स्टूडेंट्स आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसका आंसर है स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए। सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? सचिन तेंदुलकर किस टीम का सचिन तेंदुलकर अंडर 14 टीम का कप्तान था। सचिन तेंदुलकर अंडर 14 टीम का कप्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी जलाई? उत्तर है कि हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर
जलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, हजरत अली कैसे शासक थे। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, हजरत अली कैसे शासक थे। हजरत अली एक प्रामाणिक शासक थे। अब हम इसका आंसर लिखेंगे, हजरत अली एक प्रामाणिक शासक थे। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन हम लेंगे, लड़के ने रोने का कारण क्या बनाया बताया। लड़के ने रोने का कारण क्या बताया। हम इसका आंसर लिखेंगे, लड़के ने रोने का कारण बताया कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर नहीं गिरी तो माँ उसे बहुत पीटेगी। लड़के ने रोने का कारण बताया कि उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गए, जो कहीं गिर गई, अगर मैंने नहीं गिरी तो, अगर जो है नहीं मिली तो माँ उसे पीटेगी। ठीक है, आज हम यहां तक ही रिवीजन करेंगे, अगले